ये देखिए कितना बढ़िया है और मुंह में घुल जाने वाला है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, आटे का होने के बावजूद भी कितना स्पॉन्जी है, कितना बढ़िया है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। और ये आटे से बने हैं, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतने बढ़िया डोरा केक आप आटे से बना सकते हैं। तो बच्चों को जरूर बना करके खिलाइएगा। डोरा केक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा, आप इसकी जगह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या 1/2 छोटा चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल या बटर आप यूज कर सकते हैं। 1/2 कप पिसी हुई चीनी और एक बार मिक्स कर लेंगे। 1 कप दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें 1/2 मैदा और 1/2 आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सिर्फ मैदा और सिर्फ आटा भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए बैटर रेडी है, इस तरह का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए बैटर। अच्छी खुशबू या अच्छे टेस्ट के लिए कुछ बूंदे वनीला एसेंस के डाल देंगे। यहाँ पर लगभग मैंने 7 से 8 बूंदे डाली हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो डोरा केक का बैटर रेडी है, अब हम डोरा केक बना लेंगे। तो डोरा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसको हल्का गर्म कर लेंगे और यहाँ पर एक टिश्यू पेपर लेंगे और इससे आप और कोई कागज भी ले सकते हैं या कोई कपड़ा ले लें और इस तरह से टिश्यू पेपर पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको हम ग्रीस कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने, बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप पहले मेजरिंग कप लिया है, इससे हम इस तरह से डोरा केक का बैटर डाल देंगे। देखिए इस पर बबल्स बनने लगे कि इसको हम कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके रखेंगे। तो इसे 1 मिनट हो चुका है और इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसे चेक कर लेंगे। देखिए किस तरह से स्पॉन्जी हो गया, ये इसको पलट देंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। दूसरी तरफ से सिर्फ 1/2 मिनट के लिए सेकेंगे, ज्यादा नहीं सेकना है हमें, इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह मैं एक और डोरा केक बना लूंगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है डोरा केक्स पर, और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आटे से बनाए हैं। बस आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें, मिल्क पाउडर जरूर डालें, बट अगर मिल्क पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत स्पॉन्जी बनेंगे, बट मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी डोरा केक बन करके रेडी है। इस तरह से हम सभी डोरा केक्स बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी डोरा केक्स बना लिए हैं, अब हम इनमें स्टफिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड है, आप इसमें जैम, व्हिपिंग क्रीम, चॉकलेट स्प्रेड कुछ भी भर सकते हैं, न्यूटेला हो तो न्यूटेला भी भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग इस तरह से ग्लास पर रख लिया है, इसमें हम ये चॉकलेट स्प्रेड डाल देंगे। इससे ज़रा ईजी हो जाएगा चॉकलेट स्प्रेड को लगाना, अदरवाइज आप किसी नाइफ से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देती हूँ, आपको जो ईजी लगे आप उससे यूज़ कर लीजिएगा। तो इसको हम आगे से कट कर लेंगे। ये देखिए, तो अब मैं चॉकलेट स्प्रेड डोरा केक्स में भर दूंगी। यहाँ पर ये 4 पेयर्स हैं डोरा केक के, इनको हम अब स्टफ कर लेंगे। तो ये देखिए इस पर हम इस तरह इसको हल्का स्प्रेड कर देंगे। तो आप घर पे आटे से डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक बच्चों को बना करके इजीली दे सकते हैं। तो इसको हम दूसरे डोरा केक से कवर कर देंगे, इसको साइड पर रख देंगे, बाकी के डोरा केक भी स्टफ कर लेंगे। तो एक डोरा केक मैं डायरेक्टली आपको इसी तरह भर के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चम्मच से हम इस पर स्प्रेड लगा देंगे। आपको जितनी पतली या मोटी लेयर चाहिए हो आप उतनी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर दूसरा डोरा केक रख देंगे। तो इसी तरह मैं सभी डोरा केक फिल कर लूंगी। पर
सभी डोरा केक्स रेडी हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यमी दिख रहे हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हैं डोरा केक, और ये आटे से बने हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतने बढ़िया डोरा केक आप आटे से बना सकते हैं, तो बच्चों को ज़रूर बना करके खिलाइएगा। लॉकडाउन में वैसे भी बच्चे नई नई चीज़ों की जिद करते हैं, तो आप आटे के डोरा केक ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको कैसे लगे। एक डोरा केक को हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया है और मुंह में घुल जाने वाला है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर आटे का होने के बावजूद भी कितना स्पॉन्जी है, कितना बढ़िया है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।